Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं आपके RRB NTPC का एक प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया मिल पाए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए थे और उन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए थे. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. आपका पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ट्विटर, यानी कि जो ट्विटर है उस ट्विटर की स्थापना किसने करी है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इवन विलियम्स जो थे इन्होंने आपके ट्विटर की स्थापना करी या ट्विटर को इस्टेब्लिश इन्होंने किया था. तो आप इसके बारे में इस तरह से जान सकते हैं, या कहिए जो मेन फाउंडेशन है या अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज हैं, ऐप है, उनके फाउंडर्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में आपके सैन फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया US में इसको फाउंडेड किया गया था. ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो आपको यहाँ से पता चली गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर, इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला एरिया आपका कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है. एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका MP सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. डैश इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन. आपका इनमें से एक रफली यूनिट है लंबाई का, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन यानी कि सन से अर्थ की दूरी या डिस्टेंस के लिए रफली यूज किया जाता है. एंड द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड. ओके, मान लीजिए कोई भी एक गैस है वो आपके लिक्विड को स्किप करके सीधे से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, कोई एक गैस है, ठीक है, तो भाई गैस से लिक्विड होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद सॉलिड होना चाहिए, लेकिन वो लिक्विड को स्किप कर रही है और उसके बाद सॉलिड में सीधे बदल रही है. तो इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका डिपोजिशन. डिपोजिशन के नाम से बेसिकली इसको जानते हैं. अगर आप इसको ऑपोजिट कर दोगे, यानी कि सॉलिड से सीधे गैस बने लिक्विड स्किप हो करके, तो इसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन के नाम से इसको हम लोग जान देंगे. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. इन विच सिटी इज द न्यू एम्स इज टू बी सेट इन महाराष्ट्र. आपके महाराष्ट्र के आपके महाराष्ट्र राज्य में किस सिटी में न्यू AIIMS यानी कि एम्स जो है वो सेट किया गया है या ओपन किया गया. एंड द राइट आंसर इज नागपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपके नागपुर में ये सेटअप लगाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. डिजीजेस से है विच वैक्सीन इज प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. क्योंकि आपके टीबी ये जो आपके ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर है, आप चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, एल्गी हो, वायरस हो, इनसे होने वाली डिजीजेस हो या फिर इनके जो वैक्सीनेशन है उनकी डिजीजेस हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने मिलते हैं. तो फिलहाल आपका टीबी जो है वो BCG यानी कि बेसिलस कैलमिटी ग्वेरिन के लिए यूज किया जाने वाला वैक्सीन आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है. प्राइमरली इसको इसी के लिए यूज किया जाता है. आप हालांकि HIV दिया गया है, तो यहाँ पे ये आंसर इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि वो होता है आपका HIV ना कि HIV. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. वॉट डस TCP स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर
नेटवर्क, आपके कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में आपका टीसीपी का क्या मतलब होता है, टीसीपी का क्या मतलब होता है आपके कंप्यूटर के नेटवर्क में, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये होता है आपका टीसीपी का मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क के कैटेगरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑन विच रिवर इज द सिटी मदुरई सिचुएटेड, आपके किस नदी पर मदुरई शहर जो है वो स्थित है, आपके इनमें से किस सिटी किस शहर में मदुरई जो है वो किस नदी पर स्थित है, एंड द राइट आंसर इज वैगई नदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपकी वैगई नदी पे आपका मदुरई शहर जो है वो आपका सिचुएटेड है या कहिए स्थित. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इनमें से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो मुरारजी देसाई आपके इनमें से सबसे पहले आपके भारत रत्न से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री के पद पर ये रह चुके हैं. तो करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यानी कि अगर आप टॉपिक निकालना चाहो तो देखो, एक ह्यूमन डिसीज टॉपिक हो गया, इसके अलावा आपके प्राइम मिनिस्टर्स वाले टॉपिक हो गए, ये आपका जो सिटीज एट द बैंक ऑफ रिवर वाली जो एक लिस्ट होती है ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर का तो बेसिक्स आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी. बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत नमक होता है, तो भाई हमारे शरीर में बहुत कम प्रतिशत नमक पाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नमक पाया जाएगा तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो गल जाएंगी. आप लोगों ने अपनी मदर या दादी वगैरह से सुना भी होगा कि कम नमक खाओ हड्डियाँ गल जाती हैं, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं कहती, वो सही है. तो 0.4% जो है वो आपका सॉल्ट आपके बॉडी में रहता है. तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो, तो आपके प्लूटो का जो मून है, प्लूटो का जो चंद्रमा है उसका नाम क्या है. कभी कभी आपके पुराने सिटीज के भी नाम आपको, मतलब सिटीज का पुराना नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलते हैं. ठीक है, चलिए वेल आंसर करिएगा, मून ऑफ द प्लूटो, एंड द राइट आंसर इज टी मैस्क जो है वो इस क्वेश्चन का होगा एकदम करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर, आपके सिंगापुर का पुराना नाम क्या था. सॉरी, सिंगापुर का पुराना नाम आपसे पूछा गया, ओके, तो देयर इज अ समथिंग डिफरेंसेस. इस क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल डेड मानेंगे. और अगर आपको जस्ट आंसर जानना है तो मैं यहाँ आंसर सही बता देती हूँ. व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर, तो ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर जो है वो आपका टिमेस्क, आपके सिंगापुर का पुराना नाम था. ठीक है, और आपसे जो पिछला मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर नेम ऑफ द प्लूटो हमें बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका चेरोन होगा. ठीक है, चेरोन जो है वो आपका प्लूटो का मून कहलाता है. तो जस्ट आप क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको मैंने आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता दिया, मून ऑफ द प्लेटो इज चेरोन और ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर इज टेस्मेक. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हीकल सचमेचर आर रेसिंग ड्राइवर बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आपके प्लेयर्स वैसे भी हमेशा हिट लिस्ट पर रहे हैं, आपके चाहे नेशनल प्लेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, हमेशा पूछ लिया जाता है कि किस सिटी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट वाज द एलिमेंट यूज्ड इन ट्रेडिशनल थर्मोमीटर विच इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, इनमें से कौन सा तत्व आपके ट्रेडिशनल थर्मोमीटर में यूज किया जाता था जो कि काफी ज्यादा प्रकृति में आपके हाईली टॉक्सिक होता था, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मरकरी. मरकरी का प्रयोग जो है वो आपके इसमें किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाय एंशियंट इंकेस, आपके एंशियंट इंकेस में इनमें से क्या बना था, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मकाओ माचू पिच्चू जो है वो आपके एंशियंट इंकेस पे बना था.
Next question. In which year was the Aam Aadmi Party founded? Because election का वैसे भी time निकला है, तो आपकी कौन सी party कब establish हुई थी, कौन सी party कहाँ establish हुई थी, किस state में कौन सी party अभी rule कर रही है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लेना. सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बनता है 2012 में भैया तहलका मचाया था आपकी आम आदमी पार्टी ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. A spoon which looks bent in an example of which of the following. आपके एक स्पून जो है वो आपके देखने में बेंट यानी कि झुकी हुई है, तो वो इनमें से किस चीज का एक एग्जाम्पल था. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्रैक्शन का वो एक एग्जाम्पल माना जाएगा. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी. इनमें से किसने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी, तो आपको पता है बहुत अच्छे से, हेनरी बेकरेल ने आपके रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया या कहिए उसको उसकी खोज करी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ शॉर्ट बिल्ड हमिंग बर्ड. ओके, जिसकी एकदम तलवार जैसी चोंच जो हमिंग बर्ड होती है ना, उसकी सबसे उसका स्पेशल क्या है. ये स्मॉलेस्ट बर्ड है आपके वर्ल्ड में. इट्स बिल इज लॉन्गर देन रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी. उसकी शरीर से ज़्यादा बड़ा होता है उसका बिल. ये अंटार्कटिका में पाई जाती है और ये फ्लाई नहीं कर सकती. तो भैया इसका जो बिल होता है वो आपके उसकी बॉडी से भी बड़ा होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका या एक स्पेशल फीचर है इसका. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स. राज्य हड़प नीति जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी राजा जिसका अपना पुत्र अगर नहीं है तो उसका उसकी डेथ के बाद उसका पूरा एम्पायर, पूरा जो राज है वो सीधे ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा. ये थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स और इसको लेकर आए थे आपके लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड कर्जन आपके बंगाल विभाजन 1905 का आपका जो बंगाल विभाजन था उसमें आपके सबसे एक्टिव लॉर्ड माने गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the battle of Chilanwala fought? तो आपकी Chilanwala fought जो battle थी वो आपके किस वर्ष में या कहिए किस समय पर करी गई थी. And the right answer is option number C, यानी कि 1849 में आपका ये battle fight किया गया था. Next question आपकी screen पे. Which of the following is a temple बिल्ड आउट ऑफ मार्बल बाय विमल शाह. आपके विमल शाह के द्वारा इनमें से कौन सा माउंटेन आपके मार्बल के द्वारा बना हुआ माउंटेन है. एंड द राइट आंसर इज दिलवाड़ा मंदिर जो है आपके माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो आपके मार्बल के द्वारा बने और विमल शाह ने ही इन मंदिरों का निर्माण कराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Who was the first Indian badminton player to win the men's single title at the All England Championship in 1980s? आपके 1980 में जो first Indian badminton player थी वो कौन थे जिन्होंने single title जीता था All India Championship में. And the right answer is Prakash Padukone is the right answer of this question. Next question. Who won the Academy Award for documentary Army in 2016? आपके 2016 की documentary Army 16 के लिए award इनमें से किसने जीता था. And the right answer is आसिफ कपाडिया. Next question. What is the income available with a person after deducting for tax called? आपके tax को deduct करने के बाद एक व्यक्ति की जो income है उसके पास जो आ रही है उसको क्या कहा जाता है. तो उसको आपके डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976. आपके 1976 में डेवलप किया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था. तो वो सुपर कंप्यूटर था आपका सुपर कंप्यूटर 1976. ओके, तो वो कंप्यूटर था आपका क्रे वन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर. अवॉइडेड और इग्नोरेड, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. विच सीरीज इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट इन पुणे. आपके पूना में या पुणे में आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट, पहला इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके पूना में कौन सा डेवलप्ड हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परम इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन आपके ना केवल एनटीपीसी में बल्कि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रोपोनेंटेड द होम्योपैथिक प्रिंसिपल ऑफ लाइक कर्स
लाइक तो आपके इनमें से किसने होम्योपैथिक प्रिंसिपल जो था उसको इजाद किया था. ओके एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ओके सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैमुअल हैनमैन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट चित्तौड़गढ़. आपके इनमें से किस वंश की राजधानी जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ थी. तो आपके सिसोदिया राजवंशों की राजधानी जो है वो चित्तौड़गढ़ मानी जाती है. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच स्पोर्ट्स इज द टर्म फ्री स्टाइल कनेक्टेड विथ. आपका फ्री स्टाइल इनमें से किस स्पोर्ट्स किस खेल से संबंधित है. तो आपके स्विमिंग से संबंधित है फ्री स्टाइल स्विमिंग. ओके जैसे फ्री स्टाइल डांस होता है ना ऐसे ही फ्री स्टाइल स्विमिंग भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोला किंग. आपके इनमें से कौन सा राजा चोल वंश का सबसे महान राजा के नाम से जाना जाता है. तो भाई आपका जो करिकाला था वो आपके सबसे महान राजाओं के कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड. आपके मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है. तो इसको कहा जाता है डेंसिटी. अच्छा वन मोर थिंग, आप में से कई स्टूडेंट ने बोला कि ये अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए ऐसा करिए. तो भाई मैं बता दूं ये आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर है. प्रीवियस का मतलब होता है जो उन्होंने उनके डिपार्टमेंट ने बनाया था. मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ तो मुझे पूछने से अच्छा है उनको बोल दो कि अपना लेवल बढ़ाओ. ठीक है समझ आ गया. चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज नाउ कॉल्ड. आपका द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है अब उसे किस नाम से जाना जाता है. तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से अब वो जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ आवर प्लैनेट ई अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज. आपका जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो आपके किस भाषा से ओरिजिनेटेड वर्ड है. तो ये आपका जो ओरिजिनेटेड वर्ड है ये है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लिश से. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन के क्वेश्चन जरूर आते हैं. तो आपका इनमें से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है. तो कैबेज इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. कैबेज जो है वो आपका सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु डिस्कवर द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो आपके इनमें से किसने डिस्कवर किया था या कहिए इस इनमें से किसने उसकी खोज करी थी. तो राइट आंसर होगा आपके कॉल लैंडस्टीनर ने आपके ए बी ओ ब्लड ग्रुप को खोजा था. और बाद में आपके डी क्रिस्टिलो नामक एक साइंटिस्ट ने आपके ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर मैनग्रूव. आपके इनमें से किस राज्य में मैनग्रूव वनों के द्वारा सबसे ज़्यादा एरिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो कवर किया जाता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने मिलते हैं. तो बैक टू द स्क्रीन. सो गाइस हियर वी कंप्लीट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर. कल फिर मिलेंगे. मैं इस पूरा वीक आपको आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर को ही कराने वाली हूँ. तो चलिए ख्याल रखिए अपना और ध्यान से पढ़िए. थैंक यू.